नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ दस क्लोरीन गैस प्रॉपर्टीज, पहली प्रॉपर्टी तो एक मैं शुरू से बोल ही रहा हूँ, ग्रीनिश येलो गैस होती है, येलो गैस होती है, ग्रीनिश येलो गैस। ग्रीनिश येलो गैस है ये। दूसरा पॉइंट लिख देंगे इसके अंदर, ग्रीनिश येलो गैस है और लगभग एयर के, एयर का वेट कितना होता है 29 ग्राम पर मोल बोलते हैं एयर का वेट, एयर में O2 और N2 होता है, 29 ग्राम पर मोल इसका एवरेज वेट आता है और क्लोरीन का 71 वेट होता है। तो ये 2.5 टाइम्स क्या होगी, हैवियर देन एयर, 2.5 टाइम्स हैवियर, 71 वेट है ना इसका, 2.5 टाइम्स अप्रॉक्सीमेटली हैवियर देन एयर होगी, हैवियर देन एयर। तो ये ध्यान रखना इसके अंदर। और सॉल्युबल है वाटर के अंदर, रिएक्शन हमने पढ़ी थी, फ्लोरीन क्लोरीन सॉल्युबल है वाटर के अंदर, सॉल्युबल इन H2O, ये रिएक्ट कर जाती है वाटर के अंदर, सॉल्युबल है वाटर के अंदर, F2 सॉल्युबल है, Br2 और I2 दोनों क्या है, स्पेरिंगली सॉल्युबल है, I2 तो इनसॉल्युबल ही बोलते हैं हम, Br2 भी बहुत कम सॉल्युबल होती है और कैन बी, और लिक्विफाई हम इसको कर सकते हैं, सही ना, लिक्विफाई कर सकते हैं इसको, बॉइल करती है 239 केल्विन के आसपास, लिक्विफाई करती है जो बॉइल करती है 239 केल्विन के आसपास। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। और अगर हम ये रिएक्शन में सब पढ़ी हुई है, अभी यहाँ पे रिएक्शन जैसे अगर मैं कहूँ NH3 है प्लस Cl2 गैस, NH3 क्लोरीन गैस की रिएक्शन अगर अमोनिया से होती है तो इस केस में दो केसेस बनते हैं, अगर अमोनिया एक्सेस में तो क्या होगा, दूसरा रिएक्शन में केमिकल रिएक्शन में पढ़ सकते हैं, अगर अमोनिया एक्सेस में तो अमोनिया एक्सेस में तो बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है तो N2 गैस तो मिलनी है, और इसका H और इसका Cl बच गया तो HCl बनेगा, HCl द्वारा NH3 सेलेक्ट करके क्या बना देगा, NH4Cl। तो ये इसके प्रोडक्ट होते हैं अगर अमोनिया एक्सेस में, अगर अमोनिया एक्सेस में तो ये आंसर आएगा, और अगर क्लोरीन एक्सेस में, क्लोरीन अगर एक्सेस में, नाउ क्लोरीन गैस इज इन एक्सेस, अगर क्लोरीन एक्सेस में तो NH3 है, तो क्लोरीन एक्सेस में तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अब क्या है, ज्यादा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ज्यादा है तो क्या होगा, NCl3 मिलेगा, NCl3 मिल जाएगा, ज़्यादा ऑक्सीडाइज हो गया एक तरह से, और क्लोरीन क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा इस तरह से HCl में, अब ये ज़्यादा ऑक्सीडाइज हो जाएगा, पहले रिड्यूसिंग एजेंट एक्सेस में था तो दूसरे को रिड्यूस कर दिया, अब इसमें क्लोरीन गैस क्या है एक्सेस में है, तो रिड्यूस ज़्यादा होगा और NCl3, क्योंकि Cl ज़्यादा है तो Cl ज़्यादा आएंगे, Cl ज़्यादा आ रहे हैं तो NCl3 बन जाएगा, और NCl3 सबको पता ही है कि एक्सप्लोजिव होता है, एंडोथर्मिक कंपाउंड था, NF3 एक्सोथर्मिक, NCl3 एंडोथर्मिक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन NCERT का, तो बोर्ड में भी पूछा हुआ है, NF3 एक्सोथर्मिक और NCl3 एंडोथर्मिक, तो इसको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो है रिएक्शन क्लोरीन की विद हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड NaOH क्या रिएक्शन होती है विद, ये मैंने बताई हुई रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी, ये Cl2 की या Br2 की या I2 की, तीनों की रिएक्शन सेम डाइल्यूट NaOH के साथ, Cl2 की रिएक्शन कंसनट्रेटेड NaOH के साथ, दोनों रिएक्शन बिल्कुल सेम थी, इसमें क्या मिलता था NaCl प्लस NaClO3, NaCl प्लस सॉरी NaOCl, NaOCl मिलता था, जब भी कंसनट्रेटेड आएगा तो O ज़्यादा होना चाहिए, क्या मिल जाएगा NaOCl सोडियम हाइपोक्लोराइड प्लस H2O, और इसमें क्या मिल जाएगा NaCl तो मिलेगा ही, लोएस्ट वाला सेम रहता है, हाइयर वाला बढ़ जाएगा NaClO3 सोडियम क्लोरेट मिल जाएगा, सोडियम क्लोरेट, तो ये ध्यान रखना। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी। नेक्स्ट अब हम इसके अंदर करेंगे रिएक्शन, ये क्लोरीन के साथ ब्रोमीन के साथ, क्लोरीन के साथ ब्रोमीन के साथ आयोडीन के साथ सेम रिएक्शन आएगी, डाइल्यूट के साथ और कंसनट्रेट के साथ, और मैंने इसमें रिएक्शन उससे भी कराई थी कि क्या कहते हैं, अगर हम CaOH उल्टा रिएक्शन करते हैं इसकी, तो ब्लीचिंग पाउडर बना था, उसका पूरा कंपोजिशन मैंने बताया था, क्लोरीन वाटर जो है, वाटर की रिएक्शन कराई तो HCl प्लस HOCl बनता है जो कि कलरलेस होते हैं, इसलिए अपना कलर ये लूज कर देता है, क्लोरीन वाटर लूजेस कलर ऑन लॉन्ग स्टैंडिंग, ये भी बोर्ड में क्वेश्चन आया हुआ है, रीजन क्योंकि Cl2 और H2O क्या मिलकर क्या बनाते थे, Cl2 और H2 मिलकर बनाते थे HCl और HOCl, जिसकी वजह से जो कलरलेस होते हैं इसलिए वो कलर अपना लूज कर देगा। तो ये सारी बातें ध्यान रखनी है इसके अंदर। फिर अब इसके अंदर कुछ इसकी ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, फ्लोरीन सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, सेकंड पे हाईएस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है एलिमेंट्स में, क्लोरीन है, तो इसलिए ये Fe2+ अगर है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्लोरीन अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है, Fe2+ है, एक बार रख कर दोबारा लिखते हैं, अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है तो क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जैसे अगर मैं बोलूँ Fe2+ आयंस है या FeSO4 है, FeSO4 है या Fe2+ आयंस है, तो FeSO4 ले लिया सपोज मैंने प्लस Cl2, तो इससे क्या मिल जाएगा, आयरन +2 में है तो इसको +3 में कर देगा, यानी Fe2SO4 होल थ्राइस मिल जाएगा, Fe और H2SO4 यूज़ करना पड़ेगा एसिडिक मीडियम देने के लिए,
प्लस साथ में HCl मिल जाएगा, बैलेंस कर लेंगे उसको, रेडॉक्स रिएक्शन है। फिर ऐसे ही अगर सल्फाइट आयंस है, ये पहली रिएक्शन एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सी एल टू इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हियर, दिस इज रिड्यूसिंग एजेंट। और अगर सल्फाइट आयंस हैं, सल्फाइट आयंस हैं तो उसको ऑक्सीडाइज करके सल्फेट बना देगा, सल्फेट सल्फेट आयंस बना देगा, सल्फाइट हैं तो सल्फेट और खुद किस में चला जाएगा, सी एल नेगेटिव में, सी एल टू से सी एल नेगेटिव बनेगा, इसमें भी सी एल टू से सी एल नेगेटिव बना है, तो सी एल टू से सी एल नेगेटिव बनेगा और ये ऑक्सीडाइज होगा, बैलेंस कर लेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन है। फिर एस ओ टू है तो भी सल्फेट बना देगा, सल्फर डाइऑक्साइड है तो भी सल्फेट बना देगा या सल्फ्यूरिक एसिड बना देगा, और आई टू है तो एच आई ओ थ्री बना देगा। आई टू को मतलब क्लोरीन इतना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि ये आई टू को भी ऑक्सीडाइज कर देता है, आई टू को क्या बना देता है, एच आई ओ थ्री, आई टू को आई माइनस को तो करेगा ही करेगा, साथ में आई टू को भी ऑक्सीडाइज कर देता है एच आई ओ थ्री के अंदर, आयोडिक एसिड, क्या नाम है इसका, आयोडिक एसिड प्लस सी एल नेगेटिव तो आएगा ही, प्लस एच सी एल अगर हमने एच टू एस फोर यूज़ कर लिया तो, या एच टू यूज़ करेंगे तो एच टू यूज़ करेंगे इसमें, तो ये आयोडीन को भी ऑक्सीडाइज कर देता है, क्लियर, इट इज एबल टू ऑक्सीडाइज आयोडाइड आयन को, ब्रोमाइड आयन को तो करेगा ही करेगा ऑक्सीडाइज, आयोडाइड ब्रोमाइड हैं, आयोडाइड हो या ब्रोमाइड हो इनको तो करेगा ही, क्यों, क्योंकि सी एल टू, ये मैंने पहले बताया हुआ है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर, सी एल टू की सी एल नेगेटिव में जाने की जो टेंडेंसी है, जो इच्छा है इसकी, वो बहुत ज़्यादा है, तो सी एल नेगेटिव इमीडिएटली बनाएगा और इन दोनों को ऑक्सीडाइज कर देगा आई टू में या बी आर टू में, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में मैंने करवाया हुआ है। और क्लोरीन का मैंने बता रखा है ये भी कि बहुत पावरफुल ब्लीचिंग, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन थी, कौन सी रिएक्शन थी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज ए, अगर है क्लोरीन तो। नेक्स्ट अब इसकी रिएक्शन जो थी एज ए ब्लीचिंग एजेंट, वो भी मैंने बताया हुआ है, सी एल टू एज ब्लीचिंग एजेंट, इसका क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आता है कि ब्लीचिंग जो क्लोरीन के थ्रू होती है वो परमानेंट होती है, बट बाय एसओ टू इज टेम्प्रेरी, क्लोरीन एज ब्लीचिंग एजेंट, ब्लीचिंग एक्शन जो क्लोरीन का होता है वो परमानेंट होता है, कैसे, ये अगर ब्लीचिंग करेगा तो ये ऑक्सीडेशन के थ्रू ब्लीचिंग करता है, और कोई भी अगर ऑक्सीडेशन के थ्रू ब्लीचिंग कर रहा है तो वो हमेशा क्या होगी, परमानेंट, वो हमेशा परमानेंट ब्लीचिंग होगी, 2HCl प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, दिस इज नोन एज परमानेंट ब्लीचिंग, 2HCl प्लस नेसेंट ऑक्सीजन मिल जाएगा तो परमानेंट ब्लीचिंग हो जाएगी, जैसे कलर्ड मटेरियल है इसका ऑक्सीडेशन हुआ तो ये हो जाएगा कलरलेस परमानेंटली, जिसकी ऑक्सीडेशन के थ्रू, क्योंकि एयर अब इसको ऑक्सीडाइज नहीं कर सकती ना, एयर तुमने यूज ही कर ली यहाँ पे, एयर के थ्रू ऑक्सीडेशन ही होता है, तो इसलिए ब्लीचिंग परमानेंट होगी अगर हमारी Cl2 के थ्रू हो रही है, और SO2 करेगा ब्लीचिंग तो SO2 2H2 लेता था, ये मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ, बनाएगा H2SO4 प्लस नेसेंट हाइड्रोजन, और नेसेंट हाइड्रोजन जो करेगा ब्लीचिंग, कलर्ड मटेरियल है ये, कलर्ड मटेरियल प्लस नेसेंट हाइड्रोजन लिया हमने तो ये बनाएगा इसको कलरलेस, अब एयर इसको दोबारा ऑक्सीडाइज कर देगी, एयर के थ्रू ऑक्सीडाइज होके ये दोबारा कलर्ड हो जाएगा, तो ये टेम्परेरी होती है, एसओ टू से टेम्परेरी ब्लीचिंग होगी, और इससे क्या होगी, परमानेंट, ओ थ्री से क्या होगी, परमानेंट ब्लीचिंग, सही ना, ओ थ्री से क्या होगी, परमानेंट ब्लीचिंग, तो ये भी इसके ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किया हमने यहाँ पे, ब्लीचिंग ऑफ फ्लावर्स बाय क्लोरीन इज परमानेंट, ब्लीचिंग ऑफ फ्लावर्स बाय क्लोरीन इज परमानेंट बट बाय एसओ टू इज टेम्परेरी, बट बाय एसओ टू इज टेम्परेरी, ये ध्यान रखना है इसके अंदर। फिर बस यही इसके अंदर यूजेस थोड़ा सा देख सकते हैं, यूजेस हमने डिस्कस तो कर लिया है एज ए ब्लीचिंग एजेंट वगैरह, यूजेस तो हमने कुछ डिस्कस, इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स की मैन्युफैक्चरिंग कर सकता है, फिर भी एक दो नोट कर लेंगे, यूजेस, यूजेस क्लोरीन के, यूजेस ऑफ सी एल टू, तो पहला जैसे इसको कॉटन को या टेक्सटाइल्स को ब्लीच करने का काम आता है, फॉर ब्लीचिंग कॉटन और एनी टेक्सटाइल, टेक्सटाइल तो ये इसके लिए यूज होता है। सेकंड आ जाएगा हमारा जैसे गोल्ड, और गोल्ड की और प्लैटिनम की एक्सट्रैक्शन में यूज होता है, गोल्ड की या प्लैटिनम की, इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड एंड प्लैटिनम, ऑफ ए यू एंड पी टी, इनकी एक्सट्रैक्शन में यूज कर सकते हैं इसको, मतलब ये यूज होता है कि जैसे एक्वारीजिया की फॉर्म में लेते हैं क्लोरीन को, तो उस टाइप से यूज होता है। फिर डाइज की मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है, डाइज की, ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है, और ऑर्गेनिक कंपाउंड सच एज CCl4 की मैन्युफैक्चरिंग में, CHCl3 एनेस्थेटिक एजेंट का काम करता है, DDT डाइक्लोरोडाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन DDT की मैन्युफैक्चरिंग में, सही ना, तो ये इस जगह यूज, पॉइजनस गैसेस मिलती हैं इससे, पॉइजनस गैसेस बन सकती हैं इससे, वॉर गैसेस कहते हैं जिसको हम, जैसे COCl2, ये NCERT का क्वेश्चन भी है, नेम टू पॉइजनस गैसेज ऑफ क्लोरीन, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये, नेम टू पॉइजनस गैसेज ऑफ क्लोरीन, तो COCl2 इसे बोलते हैं फॉस्जीन गैस, ये फॉस्जीन गैस
ये क्लोरोफॉर्म में जैसे ही O2 और लाइट पड़ती है तो बनती है, क्लोरोफॉर्म में जैसे ही O2 और लाइट पड़ेगी तो ये फॉस्जीन गैस बन जाती है। और हमारी है जैसे और टीयर गैस होती है CCl3NO2, टीयर गैस है, ये टीयर गैस है। क्लोरोफॉर्म में जैसे ही फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड आएगा तो ये बनती है, क्लोरोफॉर्म में जैसे ही फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड आएगा तो ये बनेगी। और दोनों पॉइजनस हैं। और एक है हमारी ये मस्टर्ड गैस जो सेकंड वर्ल्ड वॉर में यूज़ भी हुई थी, मस्टर्ड गैस थर्ड, ये एक बता दी मैंने, ये दूसरी, तीसरी मस्टर्ड गैस, SCH2 होल ट्वाइस CL, दिस इज मस्टर्ड गैस। मस्टर्ड गैस मतलब इथीन है, सल्फर है, इथीन लेंगे, सल्फर लेंगे, क्लोरीन लेंगे तो ये प्रिपेयर करती है, इथीन सल्फर प्लस क्लोरीन, पहले सल्फर प्लस क्लोरीन मिलकर S2Cl2 बनाते हैं, S2Cl2 ये बनता है और इसमें इथीन पास कर देते हैं तो ये बन जाती है मस्टर्ड गैस। प्रिपरेशन वगैरह कोर्स में नहीं इसलिए मैंने ऑरली बता दिया, जो करना चाहे तो कर सकता है वो। ये इसकी प्रिपरेशन तो इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ऑर्गेनिक में भी पढ़ेंगे हम, और CCl3NO2 पढ़ सकते हैं, तो ये भी नीट के पेपर में पूछा हुआ कई बार, क्लोरोफॉर्म में फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड तो बन जाता है ये CCl3NO2 जो कि टीयर गैस होती है। तो ये इसके यूजेस थे। तो क्लोरीन हमने जो NCERT लेवल पे था लगभग ये ख़त्म कर लिया, नेक्स्ट नोट करेंगे हम आगे कुछ क्वेश्चंस इससे रिलेटेड, कुछ क्वेश्चंस, क्वेश्चन जैसे पीछे के क्वेश्चंस अगर हम चाहें तो ये देख सकते हैं क्वेश्चंस में। चलो क्वेश्चन अभी करते हैं, पर पहले ये कर लेते हैं इसका HCl टॉपिक खत्म कर लें, HCl भी हमारा टॉपिक कोर्स का है तो ये नोट कर लेते हैं HCl का। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सही ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी कर सकते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर इसकी प्रिपरेशन मैंने पहले बताई दी, अभी प्रिपरेशन जस्ट मैंने अभी बताई है हाइड्रोक्लोरिक एसिड की। वैसे तो बहुत सारे आसानी से हम प्रिपेयर कर सकते हैं Cl नेगेटिव आयंस को, लेकिन जो कोर्स में है वो यही है, NaCl में H2SO4 डालेंगे। मैंने पीछे बताया था जब हमने क्लोरीन की मैनुफैक्चरिंग की थी, NaCl प्लस H2SO4, ये बहुत बार डिस्कस हो चुकी है, क्या मिल जाता है इसमें, HCl बन जाएगा, कंसनट्रेटेड H2SO4 अगर लेते हैं, फ्लोरीन भी ऐसे प्रिपेयर हो सकता है, HF भी प्रिपेयर हो सकता है ऐसे ही, लेकिन HBr HI कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय सिमिलर मेथड्स, मैंने बहुत बार डिस्कस कर लिए, तो ये NHS4 आ जाएगा। तो दिस इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्लियर, दिस इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रिपेयर हो गया यहाँ पे। और इसके अलावा प्रिपरेशन इसकी बहुत सारी है वैसे तो, लेकिन अभी इतना ही करना है हमें, इसमें यही है फिर। अब जैसे यहाँ पे टेम्परेचर वही 4 वो डबल करते हैं लगभग टेम्परेचर, यहाँ पे 420 केल्विन के आसपास टेम्परेचर है, अगर हम टेम्परेचर इसमें बढ़ा दें, इसमें अगर मैं NaCl और डाल दूँ एक्सेस में और टेम्परेचर बढ़ा दिया, वही डबल करते हैं 823 केल्विन के आसपास टेम्परेचर कर देंगे तो मिल जाता है HCl, दोबारा मिल जाएगा प्लस Na2SO4। तो ये इस तरह से, या तो यहीं पे इधर ही ख़त्म कर सकते हैं रिएक्शन को, HCl मिल गया यहाँ पे। तो HCl की प्रिपरेशन ये है, प्रॉपर्टीज़ इसकी कलरलेस गैस होती है, पंजेंट स्मेलिंग होती है, कलरलेस पंजेंट स्मेलिंग गैस, पंजेंट यानी नाक को चुभने वाली स्मेल होती है इसकी, तो ये है। और ये आसानी से लिक्विफाई हो सकती है कलरलेस लिक्विड में, ये कलरलेस गैस थी, गैस होती है, हम लैब में जो यूज़ करते हैं उसमें पानी मिला होता है इसलिए वो लिक्विड फॉर्म में देखते हैं लैब के अंदर। कैन बी इजीली लिक्विफाइड टू कलरलेस लिक्विड, इजीली लिक्विफाइड, हम इसको आसानी से लिक्विफाई कर सकते हैं, क्लियर, कैन इजीली लिक्विफाइड टू ए कलरलेस लिक्विड, LIQUE लिक्विफाइड। और तीसरा इसके अंदर कि ये सॉल्युबल इन वाटर है, मतलब उतना नहीं है क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो करेगी नहीं पानी के साथ, कम करेगी तो, लेकिन HF ज़्यादा करता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सॉल्युबल इन वाटर। सॉल्युबल इन वाटर है और अगर फ्रीज करेगी तो क्रिस्टलाइन सॉलिड बन जाता है, फ्रीज करेगी तो क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो ये इसके अंदर प्रिपरेशन करनी है इसकी। और HCl अच्छा है, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, मतलब उतना H2SO4 की तरह नहीं है लेकिन फिर भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, बहुत ज़्यादा एचायंस रिलीज कर सकता है ये। HCl प्लस H2 क्या देगा, H3O प्लस
स्ट्रॉन्ग एसिड में काम करते हैं, HCl वैसे कोवेलेंट है, पानी में डालते ही ये इमीडिएटली Cl नेगेटिव और H प्लस आयन दे देगा, है ना, Cl नेगेटिव और H प्लस आयन दे देगा। तो ये इसके अंदर रखना है, और ये अमोनिया गैस को डिटेक्ट करने के काम आता है। अमोनिया गैस में जैसे ही हम HCl गैस पास करेंगे तो इमीडिएटली वाइट फ्यूम्स बन जाते हैं, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट चीज़ है, वाइट फ्यूम्स, ये पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, वाइट फ्यूम्स ऑफ NH4Cl विल बी फॉर्म्ड, वाइट फ्यूम्स ऑफ NH4Cl विल बी फॉर्म्ड, तो ये ध्यान रखना इसके अंदर। फिर इसके ये हमारा जो HCl है एक्वारिजिया में यूज़ होती है, यूजेज में बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक्वारिजिया में यूज़ होती है, क्लियर, एक्वारिजिया के अंदर जैसे वो HNO3 प्लस 3HCl, ये एक्वारिजिया होता है 1:3 रेशियो, जो गोल्ड और प्लेटिनम को डिजोल्व करने का काम आता है, गोल्ड और प्लेटिनम को डिजोल्व करने का काम आता है एक्वारिजिया, ये तो ये इसके अंदर ध्यान रखना है। और इसके अलावा देख सकते हैं हम जैसे जो यूजेज हैं, इसके यूजेज देख लेंगे, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं है HCl के अंदर। यूजेज में जैसे ये क्लोरीन की मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होती है, अभी किया हमने डीकॉन्स प्रोसेस में, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लोरीन NH4Cl, बहुत सारे कंपाउंड ये बना सकता है, क्लोरीन की मैन्युफैक्चरिंग, NH4Cl की मैन्युफैक्चरिंग, और जैसे और इसमें ये तो लिख ही देंगे एज ए लेबोरेटरी रेजेंट, ये तो सब में लिखते ही हम, लैब में लैब का रेजेंट तो होता ही है, और मेडिसिन के अंदर भी यूज, तो मेडिसिन में थोड़ा बहुत यूज़ करते हैं इसका, इन मेडिसिन ऑल्सो भी यूज़ होता है इसका। तो ये HCl के यूजेस थे जो हमें करने हैं, क्वेश्चंस कुछ करेंगे इससे रिलेटेड, और इसको HCl को डिटेक्ट करने के लिए, हाँ अगर HCl को डिटेक्ट करना है तो इसमें AgNO3 डाल दिया, AgNO3, तो AgCl का वाइट प्रोसाइड मिल जाता है, ध्यान रखना AgCl, ये भी रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, AgCl का वाइट प्रोसाइड, और अगर Br- होता तो AgBr का लाइट येलो प्रेसिपिटेट, और I- होता तो AgI का येलो प्रेसिपिटेट, ये पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है काफ़ी, सही ना, I2 होगा तो ब्लू कलर आ जाएगा, और इसमें हम क्या कहते हैं I- में ब्लू कलर I- में आ जाएगा हमारा येलो प्रेसिपिटेट, I- में ये आ जाएगा ना, I- में अगर हमने AgNO3 डाल दिया, Br- में लाइट येलो था, इसमें डाल दिया AgNO3 तो हमारा आएगा AgI का येलो PPT, येलो PPT, और आयोडीन का तो वैसे पता ही है, आयोडीन क्या करता है स्टार्च को जो कर देगा ब्लू कर देगा, ये पता होना चाहिए ना, स्टार्च पोटेटोज वगैरह में जो प्रेजेंट है उसको क्या कर देता है ब्लू कर देता है आयोडीन, और ये इंपॉर्टेंट चीज़ है काफ़ी कि आयोडाइज्ड सॉल्ट का कंपोजिशन Ki प्लस KiO3 होता है, एम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन ये, आयोडाइज सॉल्ट का कंपोजिशन पोटेशियम आयोडाइड प्लस पोटेशियम आयोडाइड, ये आयोडाइज सॉल्ट का कंपोजिशन है, तो ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट इसके अंदर और तो कुछ ऐसा नहीं, क्वेश्चंस नोट कर लेते हैं एक दो क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन इंटरनल कंपाउंड हमने पढ़ लिया इसके अंदर, इंटरनल कंपाउंड से रिलेटेड क्वेश्चन कर सकते हैं, ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले बहुत बार बताया हुआ ये क्वेश्चन पीछे के लेक्चर्स में, इंटरहेलोजन कंपाउंड्स अगर मैंने मान लिया XX- ये इंटरहेलोजन कंपाउंड है, इज मोर रिएक्टिव देन हेलोजन एक्सेप्ट F2। मान लो ये है assertion, से दिस इज assertion है, और इसका रीज़न दे रखा है, ये ऐसे क्वेश्चन जो हैं ये आ सकते हैं आजकल IIT मेंस में भी पूछ रहे हैं, एम्स तो कन्वर्ट हो चुका है नीट में ही, तो assertion है और रीज़न इसका दे रखा है, सपोज रीज़न में दे रखा है तो बताना है कि अगर लेस बॉन्ड डिफ्यूजन एनर्जी है बिकॉज XX- बॉन्ड हैज़ लेस बॉन्ड स्ट्रेंथ देन लेस बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड भी लिख सकते हैं एक चीज एंड हाई पोलैरिटी
ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस एंड हाई पोलैरिटी ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस। तो क्या आंसर आएगा इसका, ये हमने डिस्कस किया था। तो ये बिल्कुल दोनों, ये क्वेश्चन भी सही है और आंसर रीजन भी इसका सही है, तो ए लिखेंगे, दोनों सही तो ए लिखते हैं इसमें, सही ना। और अगर हमारा दोनों सही होते लेकिन रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन ना होता तो बोलते हैं बी, अगर रीजन गलत होता बिल्कुल तो लिखते हैं सी, अगर एसर्शन ही गलत है तो क्या लिखते हैं डी। तो ये पता होना चाहिए, क्वेश्चन से तो पूछे जाते हैं, और ये अब तो बोर्ड में भी आ सकते हैं क्योंकि बोर्ड के भी 1 to 20 क्वेश्चन के आने हैं, जो वो भी ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे तो उसमें भी आ सकता है। तो फिर अगला एसर्शन रीजन में लिख सकते हैं, एसर्शन दे रखा है कि CLF3 इज ए गुड फ्लोरिनेटिंग एजेंट, CLF3 इज यूज्ड फॉर एनरिचमेंट ऑफ यूरेनियम। सपोज ये क्वेश्चन दे दिया, CLF3 यूज फॉर एनरिचमेंट ऑफ यूरेनियम, ये दिया, रीजन दिया इंटरहेलोजन फ्लोराइड्स, लिख लेंगे एक बार, इंटरहेलोजन फ्लोराइड्स लाइक CF3 आर CLF3 या BRF3 आर गुड फ्लोरिनेटिंग एजेंट्स। तो ये भी अब एसर्शन तो इसमें ट्रू है, CLF3 जो है यूरेनियम को एनरिच कर देगा, और रीजन क्या है, CLF3 इसको फ्लोरीन दे देगा इसको। ये दोनों सही हैं क्योंकि ये रिएक्शन हो जाती है, यू में अगर हम CLF3 डालते हैं इसके अंदर तो बन जाता है UF6 प्लस CLF, इस तरीके से CLF। तो ये यूरेनियम इज एनरिच्ड विद फ्लोरीन, तो ये दोनों सही हैं। ये क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नहीं भूलना। बोलेगा CLF इज मोर रिएक्टिव देन CL2, ICL इज मोर रिएक्टिव देन CL2। रीजन सिंपल है, ICL बॉन्ड पोलर है, इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस है, तो ICL बॉन्ड वीक होगा। ये आंसर लिख के आना पेपर के अंदर, क्योंकि डिफरेंस एनर्जी लेवल्स का है दोनों हेलोजन्स के अंदर, तो बॉन्ड स्ट्रांग नहीं बन पाएगा, बॉन्ड जो बनेगा वो वीक होगा। तो ये इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो हमने डिस्कस किए। नेक्स्ट थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं एक बार नॉवल गैसेस, क्वेश्चंस हमारे बहुत रह रहे हैं, भी क्वेश्चंस काफ़ी कवर होंगे इसके अंदर, लेकिन इतना बेसिक जो मैं करा रहा हूँ उसको बहुत ढंग से करना है, क्लियर। तो अब हम यहाँ पे थोड़ा सा मैं जस्ट स्टार्टिंग दे रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन की, ग्रुप 18 इनर्ट गैसेस कहते हैं, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन, रेडॉन। तो हीलियम क्या है, 1s2, हीलियम 1s2, ये क्या होगा, हीलियम 2s2 2p6 आ जाएगा, ये आएगा नियॉन 3s2 3p6, आर्गन 4s2 3d10 4p6 आ जाएगा, और ये क्रिप्टन 5s2 4d10 5p6 आ जाएगा, फिर ये आएगा ज़ेनॉन 6s2 4f14 5d10 और 6p6, ये आ जाएगा। कंफिगरेशन रटी होनी चाहिए बिल्कुल, पहले इनको क्या कहते थे, इनर्ट गैसेस, क्लियर। इनिशियली देवर कॉल्ड एज इनर्ट गैसेस क्योंकि भी इनकी रिएक्टिविटी नहीं थी, फिर बाद में इसको कहने लग गए हम नॉवल गैसेज बिकॉज ऑफ द सम रिएक्टिविटी, नॉवल गैसेज लगे सब रिएक्टिविटी से, और इनको रेयर गैसेज कहते हैं क्योंकि ये बहुत रेयर अमाउंट में प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर के अंदर, रेयर अमाउंट में एटमॉस्फेयर में। इनको हम एरोजेंस भी कहते हैं, एरोजेंस बिकॉज दे आर प्रेजेंट इन एयर सो दे आर कॉल्ड एज एरोजेंस, प्रेजेंट इन एयर सो दे आर कॉल्ड एज एरो। जीरो ग्रुप कहते हैं इनको, जीरो ग्रुप क्यों कहते हैं क्योंकि इनकी वैलेंसी जीरो है, और दूसरा क्रिप्टन को हिडन गैस भी कहते हैं क्योंकि इट हाइड्स इटसेल्फ एट द कॉर्नर, सो इट इज कॉल्ड एज क्या कहते हैं, जीरो ग्रुप भी कहते हैं, सॉरी वो हिडन गैस कहते हैं, क्रिप्टन को हम क्या बोलते हैं, हिडन गैस। तो ये भूलना नहीं इसके अंदर। नेक्स्ट इसके अंदर हम कर सकते हैं इनर्ट गैसेस के अंदर, जैसे इनका अकरेंस कहाँ पे,
अकरेंस में जितनी भी नोबल गैसेज हैं दे अकर इन द एटमोसफेयर एक्सेप्ट रेडॉन, रेडियो एक्टिव है डज नॉट अकर इन द एटमोसफेयर, ऑल नोबल गैसेज दे अकर इन एटमोसफेयर एक्सेप्ट रेडॉन विच इज रेडियो एक्टिव इन नेचर, डज नॉट अकर, सही ना। तो हीलियम और बस नियॉन जो है कई बार ये हीलियम मिनरल्स में मिल जाती हैं कई बार जो रेडियो एक्टिव ऑरिजिन के होते हैं, हीलियम और नियॉन जैसे पिच ब्लेंडे के अंदर या मोनोजाइड के अंदर इस तरह से हीलियम और नियॉन दे कैन बी फाउंड इन समटाइम्स रेडियो एक्टिव मिनरल्स लाइक पिच ब्लेंडे, एंड मोनोजाइट। ये हीलियम और नियॉन इसके अंदर मिल सकती हैं कई बार, मोनोजाइट या डिवाइड भी होता करके ना। और मेन सोर्स जो है, मेन कमर्शियल सोर्स जो है हीलियम का वो है नेचुरल गैस, मेन कमर्शियल सोर्स ऑफ हीलियम इज नेचुरल गैस इसके अंदर हीलियम होती है, मेन कमर्शियल सोर्स ये है। तो कन्फिग्रेशन तो सबकी NH2NP6 है, सबकी कन्फिग्रेशन क्या है NH2NP6, बस किसकी है चेंज किसकी है वो है हीलियम की क्या है S2 कंसंट्रेशन क्या है S2। तो इसके बाद अगर हम बात करें एटॉमिक रेडियाई तो इनका नीचे आने पर बढ़ेगा और अपने रिस्पेक्टिव पीरियड में ज़्यादातर सबसे बड़ा होगा क्योंकि इनके सिर्फ वेंडर वॉस रेडियो नोबल गैसेज, ये क्वेश्चन है NCERT का, नोबल गैसेज हैव लार्जेस्ट रेडियाई इन देयर रिस्पेक्टिव पीरियड, ये इन जनरल बोली बात इन देयर रिस्पेक्टिव पीरियड। तो क्या आंसर आएगा इसका बिकॉज दे हैव, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है NCERT का, because of their no compound formation tendency, only their van der Waals radii is known, क्योंकि कंपाउंड तो आते नहीं है, वैन डर वाल्स रेडियाई होते हैं इसके, एक हीलियम एटम यहाँ पे तो दूसरा यहाँ पे, तो ये कौन सा रेडियाई होगा, वैन डर वाल्स रेडियाई होगा, और ये वैन डर वाल्स रेडियाई क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा, सही ना, बहुत ज़्यादा होगा। अब F2 की बात करें तो उसमें तो कोवलेंट बॉन्ड बनता है, O2 की बात करें कोवलेंट बॉन्ड बनता है, सब में बॉन्ड बनते हैं लेकिन इनमें कोई बॉन्ड नहीं बनता क्योंकि इनका कंपाउंड फॉर्मेशन होता नहीं है, नोबल गैसेज ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट है, इसलिए इनका जो वैन डर वाल्स रेडियाई है वो सबसे बड़ा होगा। वैन डर वाल्स रेडियाई क्या होगा, सबसे बड़ा, जैसे लिथियम से जाएं हम नियॉन की तरफ तो लिथियम का साइज हमारा 151 पिकोमीटर है, सबसे बड़ा लिथियम होगा अपने पीरियड में, इधर जाएंगे साइज डिक्रीज करता है पीरियड में, लेकिन इसका साइज है 160 पिकोमीटर, तो साइज क्या बढ़ जाएगा इधर नियॉन का। फ्लोरीन का साइज बात करें तो फ्लोरीन का साइज लगभग 70 पिकोमीटर के आसपास है, इससे पहले जो फ्लोरीन है डिक्रीज कर रहा है साइज, लेकिन नियॉन का साइज एकदम से बढ़ जाता है बिकॉज ऑफ इट्स वैन डर वाल्स रेडियाई। तो ये इसके अंदर ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट चीज बताइए, नोट करना है इसको। और इसके अलावा आयन एनर्जी इनकी अपने रिस्पेक्टिव पीरियड में सबसे ज़्यादा होगी, आयन एनर्जी भी क्या होगी, सबसे ज़्यादा, क्यों ज़्यादा होगी, क्योंकि नोबल गैसेज का फुलफिल कंसिडरेशन है, तो आयन एनर्जी भी इसकी सबसे ज़्यादा होगी अपने रिस्पेक्टिव पीरियड में, और नीचे आने पर क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, नीचे आने पर आयन एनर्जी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। तो यहाँ तक हमने खत्म कर लिया, नेक्स्ट टाइम इसकी आगे फिजिकल प्रॉपर्टीज करेंगे। ओके, थैंक्स।